कॉल आ रही थी, जिस दौरान एक माता जी की खबर सामने आती है और बताया जाता है कि कैंची चौक के नजदीक गली नंबर 4 में एक महिला ऐसी है जिसके घर में उसका बेटा उसको बंद करके चले जाता है और खाने को भी कुछ नहीं देता। इस तरह के आरोप कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का सदस्य का एक व्यक्ति कराता है और उसके बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंचती है, 112 मौके पर पहुंचती है, उसके बाद वेट रहता है तो इंस्पेक्टर के आने का। जी हाँ, अब मौके पर इंस्पेक्टर साहब पहुंच चुके हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन उससे पहले पर माहौल दिखा दूं आगे पीछे का, कितनी एक भीड़ जो है इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है और इस वक्त की लाइव तस्वीरें गली नंबर 4 की कैंची चौक के बिल्कुल नजदीक की। जी आप, मौके पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दूं इस घर के अंदर जो है वो महिला है और कुछ देर पहले इस गेट में जो है बताया जा रहा ताला भी जो है लगाया गया था, लेकिन इसी घर के अंदर वो महिला रहती है जिसकी उम्र 70 से 75 वर्ष की बताई जा रही है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी ना तो वो खुद खा सकती है और ना ही वो कहीं जा सकती है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इशारा जो है किस तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार पुलिस जब यहाँ मौके पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसको लेकर हम उस पर कार्रवाई कर पाए, लेकिन हाँ अगर ये रिपोर्ट करवाते हैं तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ बता दूं उनके दामाद जी मौके पर मौजूद है, उनकी वो सासू माँ लगती है। और सर मेरे साथ मौजूद, सर नमस्कार। बेटा बुजुर्ग महिला है, 70 साल की महिला है जी, ठीक है। अब सही ढंग से खाना और बाथरूम भी अंदर ही कर रहे हैं। इनके बेटे को बुला के अभी ये हमारे पास तो अभी जैसे सूचना मिली है हम आए, अब उनके बेटे को बुला के फिर समझाएंगे, इनकी सेवा करेंगे। दामाद आए हैं, इनको भी बोला है भाई आप सेवा करो इनकी, ठीक है। राजेंद्र सर एक सवाल है आपसे, आपको इस बारे में सूचना कब और कैसे हमारे को? तो अभी 2 मिनट पहले ही, मेरे को 4-5 मिनट पहले ही सूचना हमारी ERB को 112 पे डायल किया है, तो हम मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, ERB भी आई हुई है, ठीक है। और इनको दामाद को बुलाया, ये भी इनको समझाया है भाई इनको खाना खिलाओ और गेट जैसे ये थोड़ी अनसंतुलित वो है भाई, ये दिमाग से थोड़ा वो है, अंदर ही बाथरूम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुजुर्ग महिला है, खाना इनको समझा रहे हैं। दामाद जी को बोला भाई आपका फर्ज बनता है, और लड़के को भी बुलाया फोन करके, ठीक है, और उनको भी समझाएंगे। सर क्या इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि उन्हें 2 दिन तक अंदर जो है बंद करके रखा जाता है? नहीं पुष्टि का बेटा ये बता रहे भाई, अंदर ये मकान बन रखता है, ये पड़ोसियों ने बताया भाई ये बगैर कपड़े भी बाहर आ जाती है, तो इसके लड़के से पूछताछ करेंगे, ठीक है, जैसे होगा अच्छा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आपसे जानना चाहूंगी आजकल के लोग भी ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप को इस तरीके से छोड़ देते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप का तो हर आदमी का फर्ज है सेवा करनी चाहिए, बट इनको बुला के अरे ठीक है माता जी की सेवा करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने बातचीत की। इसके वक्त मौके पर जो है दामाद जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। लगभग कितने उम्र जो है महिला की, जिस हिसाब से सर ने बताया कि 70 से 75 का अंदाजा लगाया है? लगभग है जी। इतने ही है, ठीक है। कब से इस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या मानसिक संतुलन सच में उनका सही नहीं है जिसकी वजह से अंदर बंद करके रखा जाता है? किसी भी आदमी को अंदर बंद कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, संतुलन अपना खराब हो जाता है जी। ये गेट महीने से बंद है, ये पूरी बिल्डिंग बन गई है जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, जब से बंद किया हुआ इनको, ठीक है, ठीक है जी। कितना एक समय अंदाजा लगाया जा सकता है कब से बंद रखना शुरू किया? 3-4 महीने। 3-4 महीने, हाँ जी। अच्छा, उनके बेटे के अलावा और कौन यहाँ पर रहता है? बेटे की बहू है, तीन के बेटे की बहू है, एक पोता है जी। एक पोता भी, हाँ है जी। ये ताला लगा हुआ है। लगभग कितनी की होगी? होगी 21 साल के आसपास जी, पोते की उम्र। पोते की उम्र, हाँ जी। मतलब कुल मिला के परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस तरीके से बंद करके रखा जाता है। ये मकान इनका जी, लड़का है इनका, लॉक किया हुआ है जी, अभी भी लॉक किया हुआ है। ये सुबह जाते हैं जी काम पे, रात को आते हैं जी, ठीक है, रात को भी शायद ना संभाले, अगले दिन सुबह 2 रोटी देनी है। इस बारे में जानकारी आपको कब मिलती है? कल मिली थी जी, कल किसी पड़ोसी ने फोन किया यहाँ से, ठीक है, ये आपके सास का ये हालात है, क्योंकि मैं आता रहता हूँ यहाँ 15 साल से, मैं कभी आया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं सर जी, मुंडी चौक के साथ। अभी क्या करने वाले, अपने साथ लेकर जाएंगे या वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे या यहीं के पास रहेंगे? जी मैं पुलिस में कंप्लेंट दूंगा पहले, ठीक है, तो पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं, लड़का सेवा करता है नहीं करता है उसके बाद सोचेंगे। लेकिन एक दामाद जी के हिसाब से आपको क्या लगता है, आप भूमिका किस तरीके की निभाने वाले हैं? हम तो जो हमारे से होगा वो करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। आज के कलयुग की अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं ये सवाल मैंने अभी सर से भी किया, इस वक्त में भी ऐसे काफी लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ इस तरह की हालात पैदा कर देते हैं जिसके बाद आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है, उन लोगों के लिए क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? कुछ अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए सभी को, चाहे वो बीमार हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कहीं ना कहीं ये वो माँ है जिन्होंने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पास रख के फिर उसे जन्म दिया, लेकिन आज वही समय है, वही बच्चा है जो अपनी माँ को इस तरीके से बंद करके चले जाता है।